गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों की वर्ग शिक्षिका आपकी क्लास टू की का विषय हिंदी व्याकरण आज पढ़ाने वाली हूँ। जिन लोगों ने बुक नहीं खरीदा है वो बुक खरीद लें और मैं आप लोगों की पहला हिंदी व्याकरण का पहला अभ्यास हमारी भाषा ये आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखें, सुनें और पढ़ें। चलिए आगे अब हम लोग जानें हमारी भाषा के बारे में। मैं हमारी भाषा के बारे में, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनें, देखें। तो मैं जो लिखा रही हूँ उसे ध्यान से देखें अपने उत्तर पुस्तिका में। भाषा किसे कहते हैं? फिर मैं आप लोगों को लिखूं। तुम समझिए भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम अपनी बातों को, अपने मन की बातों को अगर किसी के भी सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो, जो भी बात हो, उसे प्रकट करने के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी बोल के अपनी भाषा, अपने मन के विचार को, अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब जान लें भाषा के प्रकार के बारे में। प्रश्न है आपका, भाषा के कितने प्रकार हैं? तो चलिए इसका उत्तर जान लें। भाषा के
ध्यान से देखें, भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के तीन प्रकार हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसे हम बोलकर सुनकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर पढ़कर समझते हैं वह भाषा लिखित भाषा है, तथा संकेत के द्वारा हम जिस भाषा को समझते हैं, समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो अब हम इनकी परिभाषा लिख लें। इसे आप नोट कर लें। मौखिक भाषा किसे जाने मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम बोलकर तथा सुनकर अपने मन के विचारों और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा भाषा का मुख्य रूप है। तो अब हम आगे जाने मौखिक भाषा जान चुके हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम बोलकर तथा सुनकर अपने मन के विचारों और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा भाषा की मुख्य रूप है। आप इसे नोट करें। अब मैं आगे आपको लिखित भाषा के बारे में समझा रही हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी, नोट कीजिए। अब मैं मिटाती हूँ, लिखित भाषा लिखा दो।
पुरुषा प्रश्न लिखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं। अब देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जिसे लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप अपनी कक्षा में कुछ लिख रहे हैं और वो बात आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं लिखकर, तो वो भाषा लिखित भाषा कहलाई। अगर मैं आप लोगों को बोल के अभी समझा रही हूँ, ये मौखिक भाषा हुई, और उसी को लिख कर मैं जो समझा रही हूँ ये लिखित भाषा हुई। तो क्या आप लोग समझ गए लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बातों को, विचारों को जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर एक दूसरे को समझाते हैं, वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को लिखकर लिखित भाषा के बारे में समझा रही हूँ, ये लिखित भाषा है। और फिर अभी जो मैं बोल के आपको समझा रही हूँ लिखित भाषा के बारे में, ये बोलकर समझाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाई। फिर से एक बार समझ लें, लिखित भाषा किसे बोलते हैं? वह भाषा जिसे लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया इसे? जी, आप लोग नोट कर लें। अब मैं इसके आगे आप लोगों को सांकेतिक भाषा के बारे में समझा रही हूँ। लिखे मैं मिटा रही हूँ। चलिए अब हम लोग जान ले सांकेतिक भाषा के बारे में। प्रश्न लिखें सांकेतिक भाषा।
आगे समझ लें सांकेतिक भाषा। सांकेतिक एक मिनट, यहाँ पे भाषा छूट गया है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम संकेत या इशारे के द्वारा एक दूसरे के सामने प्रकट करते हुए अपनी मन की भावों या विचारों को समझाते हैं उसे हम सांकेतिक सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर से एक बार मैं समझा दूं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम संकेत या इशारे के द्वारा एक दूसरे के सामने प्रकट करते हुए अपने मन के भावों या विचारों को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगर आप क्लास में बैठे हुए शोर मचा रहे हैं तो मैं आपको इशारे के साथ संकेत के द्वारा आपको चुप रहने के लिए बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो अपने मन की बात को मैं आपके सामने संकेत के द्वारा प्रकट कर रही हूँ, तो ये भाषा सांकेतिक भाषा कहलाए। या फिर आपके दोस्त अगर आपको कुछ देना चाह रहे हैं तो आपको संकेत के द्वारा आपको इशारा देकर वो सामान आपको देने के, आपको हाथ हिला के आपको अपने तरफ देखने की इशारा करते हैं और वो सामान आपको देते हैं, तो वो भाषा सांकेतिक भाषा कहलाई। तो क्या आप लोगों ने लिख लिया इसे और समझ भी लिया? जी, नोट कीजिए इसे इस तरह। आप लोग अपनी बुक की उनका प्रथम अध्याय खोलिए और देखिए, इसमें पहला में दिया हुआ सांकेतिक भाषा। इधर जाने के लिए, जब सड़क पार करने के लिए ये लोग इशारा कर रहे हैं तो ये सांकेतिक भाषा हुई। इस तरह हाथ से इशारा देना, ये संकेत के द्वारा बोला गया। अगर आप गाड़ी पे बैठे लोगों को बोलिएगा तो उसे सुनाई नहीं देगी, उसे आप इशारा से समझा सकते हैं और वो उस चीज को समझते हैं कि ये मुझे संकेत कर रहा है और उस जगह वो थम जाते हैं। आगे देखिए मौखिक भाषा। इस जगह आप जब टीवी देखते हैं तो कोई एक दूसरे से बात करते हुए आपको देखते हैं, तो वो क्या, कौन सी भाषा हुई? वो मौखिक भाषा हुई। और इस तरह देखिए आप नेताजी इस जगह भाषण देते हुए ये बोलते हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो ये इस जगह बोल कर प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को, तो ये मौखिक भाषा हुई। अब फिर यहाँ देखिए, ये लोग कुछ बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, तो वह बोले वाह हम जीत गए, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। आगे देखिए लिखित भाषा, बोर्ड पे पढ़ा रही है तो ये क्या हुई? लिखित भाषा। और एक स्टूडेंट ये लिख रही है तो ये क्या हुई? लिखित भाषा। तो अब आप लोग जान चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा के कितने प्रकार हैं और उन सारे प्रकारों की क्या परिभाषा है वो आप लोग जान चुके हैं। तो आज मैं आज का आप लोगों को होमवर्क दे दूं, आप लोग नोट कीजिए। ये तो लिख चुके हैं आप लोग, अब होमवर्क नोट कीजिए। आज का होमवर्क है आपका, और उनकी परिभाषा लिखकर Thank you.
याद करें। तो आप लोग अपना ये होमवर्क नोट कर लें, भाषा और उनकी परिभाषा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। आप लोग इसे लिखकर याद कर लेंगे। जी धन्यवाद, आज का क्लास समाप्त।